Good morning, students. Today, I welcome you all on behalf of Rasa International School to study Chemistry, Chapter Number 4 of Class 8 Metals and Nonmetals. It is on book page number 51 to 55. Basically, on Earth, we have different elements which have been further classified into three categories metals, nonmetals, and metalloids so these elements have different properties on the basis of their properties they have been classified clearly in metals nonmetals and metalloids which you can mark over here okay on the basis of their properties clear now first of all we discuss about metals and their occurrence so almost all the metals are found in the earth's crust some metals are also found in seawater in the form of salt, such as sodium chloride, magnesium chloride. In which, in sodium chloride, we have sodium as a metal, in magnesium chloride, we have magnesium as a metal. Okay, now the most important thing is the most abundant metal is aluminium. Okay, metals occur in nature in different forms, means they occur in nature in.

वो फ्री स्टेट में मिलते हैं फ्री स्टेट मीन्स नेटिव स्टेट मीन्स दे फाइंड दे कैन बी फाउंड अलोन लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ओके दे आर बीन मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट और यू कैन से नेटिव स्टेट ओके नेटिव स्टेट क्लियर नाउ ऑन द अदर हैंड दो मेटल्स विच रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रिएजेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट जो रिएक्ट कर जाते हैं वो किसी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं इन कंबाइंड स्टेट फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आर फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट एज दे आर बीन एक्टिव मेटल्स ओके जो एक्टिव होंगे वही रिएक्ट करेंगे और जो एक्टिव नहीं होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अगर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं दे आर नोन एज ओके दे कंटेन मेटल इन कंबाइंड स्टेट लाइक कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज अ अल दैट कंटेन कैल्शियम एंड ऑल्सो एज हेमाटाइट दैट कंटेन आयरन तो आयरन किसके अंदर है hematite के अंदर और कैल्साइट के अंदर कैल्शियम क्लियर द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली वो मिनरल्स जिनसे मेटल को निकाला जा सकता है आसानी से और फायदा होते हुए मीन्स प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली देन इट दैट मिनरल इज़ बीन कॉल्ड एज ओर इन दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर मतलब सारे मिनरल्स से मेटल को आसानी से और फायदेमंद तरीके से नहीं निकाला जा सकता ओके okay? इसलिए सारे मिनरल्स को ओर नहीं कहा जा सकता बट those minerals which have been called ore so once they have been called ore, so all ores are minerals because the the minerals which from which the metal can be extracted profitably and conveniently those minerals are been called as ore okay now about non-metals non-metals are okay non-metals are some of the most abundant element present in the universe non-metals

फोर्थ ओके थर्ड फोर्थ एंड सेवेंथ पोजिशन हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडलीमेंट इन दूनिवर्स विद ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन बींग दर्ड फोर्थ एंड सेवेंथ मोस्ट अबंडक्टिवलीके इनफैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर किसने सारा ज्यादातर एटमोस्फेयर अर्थ का बनाया हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमें मालूम होना चाहिए ओके okay? क्लियर नेक्स्ट द गैसेज लाइक हिलियम नियोन आगन क्रिप्टन जेनॉन अकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर ये फ्री स्टेट में मतलब नेटिव स्टेट में अकेले पाई जाती हैं क्यों बिकॉज दे आर नोबल गैसेज और दे आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज दे आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज आई एन ई आर टी इनर्ट गैसेज और नोबल सो दे देर बीन फाइंड अलोन इन नेचर सम नॉन मेटल्स ऑल्सो अकर इन कम्बाइंड स्टेट इन नेचर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन कम्बाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वॉटर एच टू ओके हाइड्रोजन एंड ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन कुछ नॉन मेटल तो फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ओके नाउ अपार्ट फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल द थर्ड थिंग इज वी हैव इज द मेटेलॉइड सो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव समर्टीज ऑफ मेटल्स and some properties of non metals okay so metalloids are the elements which have some properties of metal and some property of non -metal. so let us see so metalloids are the elements which have some properties of metal and some of non metals some example of metalloids are boron silicon okay tellurium germanium arsenic antimony the most abundant metalloid present on the earth is silicon the most abundant metal is aluminum the most abundant non-metal is hydrogen and the most abundant metalloid is silicon it is the second most abundant element in the earth okay it is the second most abundant element in the earth crust after oxygen okay in nature pure silicon is too reactive to found in फ्री फ्री स्टेट ओके ये रिएक्टिव है तो इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट सो इट इज फाउंड एज सिलिका कंबाइंड विद ऑक्सीजन सिलिकन जो है एक्टिव है रिएक्टिव है एक्टिव और यू कैन से रिएक्टिव सो इट विल बी नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट इट विल बी एवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट एंड बेसिकली अलॉन्ग विदिजन इन दम ऑफ सिलिका ओके इन ऑलमोस्ट एवरी रॉक एज वेल एज इन सैंड क्ले एंड सॉइल इट इज ऑल्सो फाउंड इन सिलीकेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑक्सीजन के अलावा ये और भी अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तब हम इसको सिलीकेट्स कहते हैं क्लियर नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो वी विल डिस्कस अबाउट देयर कंडक्टिविटी लस्टरसनेस मीन शाइनी और नॉट मेलियबिलिटी कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं डक्टिलिटी वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं उनकी स्ट्रेंथ क्या है सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो फिजिकल प्रॉपर्टी ओके सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मर्क्री इज द एक्सेप्शन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर

ल्यूमिनियम आयरन कॉपर लेड आर स्ट्रॉन्ग एंड कंसिडर्ड एज हार्ड सॉलिड ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड सॉलिड माना जाता है इनको बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर ओके सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दट दे कैन बी कट इजिली थ्रू नाइफ इन दोनों को नाइफ से भी काटा जा सकता है ओके okay? नेक्स्ट अबाउट नॉन मेटल नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एस्ट ऑफ मेटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि जैसे मेटल होते हैं लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है दैट इज दायमंड इज दॉन मेटल विच इज दार्डेस्ट सब्सटेंस ओके नेचुरली अकरिंग ओके इट इज दार्डेस्ट नैचुरल सब्सटेंस लस्ट्रस मेटल्स आर शाइनी इन अपियरेंस ये चमकदार होते हैं कौन मेटल्स they show lustrous okay and they are luster and they show lustrousness okay so the word luster means shine due to their shiny appearance some metals are used in jewelries and for decoration purpose for examples gold and silver okay previously mirrors were made up of shiny metals like silver okay because इट इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर पहले क्या होता था मिरर को सिल्वर की हेल्प से बनाया जाता था क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है और जब कोई चीज़ अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ओके okay, तो इट विल बी एबल टू प्रोजेक्ट योर इमेज मोर ब्राइटर ओके नाउ डज मिररर्स आर ऑल्सो मिररर्स कंटेन थिन कोटिंग ऑफ मेटल ओके नॉन मेटल्स आर डल ओके दे आर डल they have dull surface they cannot okay they cannot be polished to a surface like metal graphite diamond and iodine are the exception okay are some examples of non metal have lustrousness clear exceptions are there so we have to learn the exceptions clear malleability malleability is the property by which the metals can be beaten into sheets okay

so they do not have the property of malleability clear sonorous metals are produce sound as metal produce sound that means they are sonorous so you have heard bells in temple what are they made up of the bells are made up of metal mostly brass metals produce ringing sound when struck therefore they are said sonorous Okay, non metal do not produce ringing sound when they struck hard and hence they are not sonorous. Clear? Ductility. Ductility is a property by which the metals or, or any substance can be converted into thin wires. Basically, the metals. So, the property of drawing the metals into thin wires is called malleable. Oh sorry, it is called ductility. Most metals are ductile.

फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होते हैं उनके पास डक्टिलिटी नहीं होती है क्लियर कंडक्टिविटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन वी होल्ड वन एंड ऑफ द आयरन रॉड वाइल एट द सेम टाइम द अदर एंड बींग हीटेड नो बिकॉज वी फाइंड दैट द अदर एंड बिकम वेरी हॉट दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट अगर हम किसी मेटल रॉड को एक तरफ से हीट करें और दूसरी तरफ से पकड़ के रख सकते हैं क्या नहीं दूसरी तरफ भी गर्म होती चली जाएगी तो हम उसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे दिस प्रॉपर्टी शोज दैट द मेटल हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वे आर ओके सो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर्स इन आर होम आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर सो मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑल्सो ओके कॉपर वायर आर जनरली यूज इन द इलेक्ट्रिकल अपलायस एंड हाउस होल्ड वायरिंग सिमिलरली एल्यूनियमिंग दी पॉवर ट्रांसमिशन केबल्स इन एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दर कॉपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए हम कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर यूज कर लेते हैं फॉर पावर ट्रांसमिशन और लेकिन घर के अंदर हम क्या यूज करते हैं कॉपर वायर एज टू रिड्यूज दी लॉस इन दम ऑफ हीट क्लियर Can we use wood as a part of an electric circuit? No. Being a non-metal, wood does not conduct electricity or does not allow the electricity to pass through it. Thus, the current will not flow through the circuit. So, if we use karenge, circuit se flow nahi hoga. wood, then the current will not flow through the circuit. So, wood cannot part of an electric clear So, it shows that the non-metal are the bad conductor of electricity. What exception is there? The graphite is the non-metal which is the good conductor of इलेक्ट्रिसिटी ओके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इनको याद रखना ठीक है मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट ओके एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड मरकरी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड मरकरी मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन मेटल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाउवर ग्रेफाइड एंड डायमंड है मीनस नॉन मेटल्स हैव Low melting and boiling point, but graphite and diamond have high. Metals have high melting and boiling point except sodium, potassium, and mercury. Is it okay? Now we conclude them in a simple form. Okay, in the form of table. Metals are malleable. Non-metals are non-malleable. They are metals are ductile. They are non-ductile. They conduct heat and electricity. They don't conduct. They are lustrous or shiny. They are not okay they are solid at room temperature except mercury okay they are generally solid and gases okay okay but one is the bromine that is br which is liquid in at room temperature they have high melting and boiling point except potassium sodium and okay potassium sodium they have low melting and boiling point except diamond and graphite they are sonorous, they are non sonorous. Clear? Thank you. I hope you have understood. In the next part, we continue with metals and non metals. Meanwhile, study these topics and get prepared yourself.